शुरू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हमारे अरविंद चौरसिया ब्लॉग में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम यहां डेहरी ऑनसोन में आए हुए हैं और एक ऐसा अजूबा चीज दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को कि आप उम्मीदता है कि कभी ऐसा नहीं देखे होंगे। हमने खुद यहां पर पहुंचे और देखे तो आश्चर्य रह गए कि ये आखिर ऐसा होता है कैसे। तो सबसे बड़ी बात तो आप देख रहे हैं प्राचीन धूप घड़ी, यानी धूप से ये टाइम पता चलता है स्पष्ट कि कितना बज रहा है। सूर्य भगवान की रोशनी जो आता है उस पे धातु का जो बना हुआ अथी था उस पे आता है, उस हिसाब से टाइम इसे पता चलता है कि कितना अभी बज रहा है नहीं बज रहा है। तो घड़ी भी हम आप लोग को दिखाएंगे, ले चलते हैं उस घड़ी की तरफ की देखिए उस किस तरह से धूप से आप लोग का कितना टाइम पता चलता है नहीं पता चलता। तो हम घड़ी की तरफ चलते हैं, फिलहाल आइए इधर। तो देखिए ये है धूप घड़ी, कहने का मतलब 1871 ईस्वी में बना था और ये इसका टाइम है 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक, यानी सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक बीच में ये जो स्पेस इसका रखा हुआ है धातु यहाँ पे था। अभी फिलहाल धातु में कोई तकनीकी आने की वजह से खोल के रख लिया गया, उसे फिर मरम्मत करके यहाँ पे लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो है कि ये सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक टाइम देता है, यानी 7 बजे से 5 बजे, कहने का अर्थ हुआ कि 7 बजे सूर्य भगवान जब निकलते हैं उनकी परछाई ये धातु के ऊपर उनकी जब परछाई पड़ता है तो उसके बाद 7 बजे का टाइम इधर बताना शुरू करता है। जब सूर्य भगवान इधर से निकलते हैं और सूर्य भगवान की परछाई धातु पे पड़ता है, उस धातु का परछाई जो जाता है वो सुबह 7 बजे के टाइम से बताना शुरू करता है। वो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, इसके बीच में भी है टाइम, तो एक्यूरेट टाइम बताता है। उसके बाद में लास्ट शाम तक सूर्य भगवान शाम 5 बजे तक उगे हुए रहते हैं, तो उस उगे हुए टाइम तक में शाम 5 बजे तक इसका टाइम एक्यूरेट बताता है, यानी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इसका यहाँ का जो इस धातु के द्वारा टाइम एक्यूरेट बताया जाता था। जो आप ये धातु बताएगा वो सेम घड़ी का टाइम रहता था। तो हम यहाँ के लोकल आदमी से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर यो इस घड़ी के विषय में क्या बताना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे एक बाबा हैं, बाबा थोड़ा सा पूछते हैं। बाबा आइए थोड़ा इधर। तो बाबा ये इसके विषय में थोड़ा आप बताइए। हम तो ये टाइम देते रहे, टाइम देता था ना एकदम, फिर रुकती समय 7 बजे से लेकर 5 बजे, सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक जो एक्यूरेट घड़ी में टाइम होता था वो एकदम परछाई से पड़ता था। चलो तो आप लोग अच्छी तरह से जानेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कुछ पर्यटन स्थल है, हम इस पर्यटन स्थल पे आए हैं। अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ी झारखंडी बाबा के नाम से मंदिर जाना जाता है जो कि शंकर भगवान का मंदिर है, उस मंदिर को हम विजिट कराएंगे। और सबसे बड़ी राज्य इस मंदिर के पास में है जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जो है थे वो अपने मित्र के नाम पे यहाँ एक मंडप बनाया है, उस मंडप को भी हम दिखाएंगे। तकरीबन 2004 में मंडप बनाया गया था, उस मंडप का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव मिलकर दोनों किए थे। वो मंडप भी ले चलेंगे और लालू यादव जी हैं वो अपने फ्रेंड के नाम पे ही वो मंडप है, मंडप के पास ले चलते हैं। तो चलते हैं अभी फिलहाल हम मंदिर की ओर, मंदिर में थोड़ा बहुत विजिट कराते हैं। फिलहाल जो आपको बता रहे थे झारखंडी मंदिर ले चलेंगे, जो झारखंडी बाबा है तो यही है वो मंदिर। आप सभी लोगों को हम ये मंदिर दिखाते हैं और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ तो सबसे पहला मंदिर में इन करने से पहले ये जानकारी ले ले कि देखिए जो लिखा हुआ है दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मंदिर बंद रहते हैं। अगर आप लोग कभी इस मंदिर में आना चाहते हैं तो आप इस टाइम को कवर रखिएगा, टाइम के बारे में जानकारी रखिएगा कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मंदिर बंद होता है। अब थोड़ा बहुत यहाँ के हमारे जो मंदिर का पैतृक आदमी है उनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं कि मंदिर का ये इतिहास क्या है। तो पूरे इस इतिहास के विषय में हम जानते हैं इन सर से कि क्या आखिर क्या। सर जी आप बता सकते हैं मंदिर के विषय में? यहाँ का जो है सबसे बड़ा पुराना मंदिर यही है, झारखंडी मंदिर। यहाँ बहुत घने जंगल था जी, जब अंग्रेजों का शासन था तो यहाँ बहुत से उन्होंने अपना जो है विस्तार से माने जो है अपना रहने के लिए कोशिश किया जी। जो पीछे में सिंचाई विभाग कारखाना है जी, तो वो कारखाना का जो दीवार आ रहा था हाँ। प्रभु के ऊपर से गुजर रहा था जी, वो जो शिव हाँ, भगवान का मूर्ति है उस मूर्ति से हाँ, वो ऊपर ऊपरे ऊपर अच्छा अच्छा। तो लेकिन उन्होंने सोचा कि इस पत्थर को हटा दिया जाए, शिव भगवान का पत्थर है उन्हें हटा के दूसरी जगह ना हटा दिया जाए, माने हटा कर फेंक दिया जाए और वहाँ अपना दीवार लिया जाए। लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश करने के बावजूद भी नाकाम रहा, हाथी से कबरवाया, बहुत खन बहुत गड्ढा जो है खनवाया, फिर भी संपन्न माने जो है उन लोगों को जो है समीक्षा नहीं मिल सकी, माने वो सब माने अस्त हो गए, व्यस्त हो गए, मैंने बिल्कुल मन में त्राही त्राही हो गए। तब अंतिम उन लोगों ने छेनी हथौड़ी से मारना जी काटना चाहा, जब छेनी हथौड़ी से उसको काटना चाहा तो हैजा पड़ गया और जो मजदूरा लोग हैं वो सम्मरने लगे, तब यहाँ छोड़कर वहाँ से भाग गए।
तो यही है इस मंदिर का इतिहास, बहुत बड़ी ये इतिहास है। आप ये जो बता रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे हमारे शंकर भगवान खुद प्रकट हुए हैं, और प्रकट होने के बाद बहुत बड़ा दैविक शक्ति है। हाँ, जो आप मान लीजिएगा और निश्चित हो जाना। जी जी, बहुत बड़ी भाग्यवती है, शक्तिशाली है, जो हम लोग मानते हैं वो पूरा होता है। और यहाँ के लोग जो ये खुद प्रकट हुए थे, तो यहाँ के लोग चाहे कि यहाँ से इस पत्थर को हटाकर कहीं दूसरे जगह रख दिया जाए, हटा दिया जाए, लेकिन पूरे कोशिश करने के बाद नहीं हुआ। यहाँ तक के बहुत सारे मजदूरा लोग यहाँ छेनी हथौड़ी से काटने की कोशिश किया, पत्थर को नहीं कटाया, और मजदूरे लोग ने तबीयत खराब होने लगा, हैजा फैलने लगा, अपने आप मरने लगा, तब यहाँ से लोग भाग, तब यहाँ से लोग जो है दीवार जो है वहीं से मुड़ा कर, वहीं से मुड़ा कर वैसे कर दिया, इन मूर्ति को यहीं पे छोड़कर उसके बाद भाग गया, और तभी से ये मंदिर बन गया है। और मंदिर में पूजा होने लगा, तो अंदर मंदिर को हम ले चलते हैं कि शिव भगवान की मूर्ति किस तरह का है। तो आइए थोड़ा दिखाते हैं हम आप लोगों का, यहाँ पे जूता चप्पल खोल के उसके बाद इन किया जाता है मंदिर में, क्योंकि तो हमारे धर्म का इतिहास में है कि कहीं मंदिर में जाए तो जूता चप्पल खोलने के बाद। और देखिए ये हमारे शिव भगवान का ये मंदिर है, यहाँ पे दान पेटी है, उसके बाद ये थोड़ा सा आप आइए अंदर, ये हमारे शिव भगवान का। तो हर एक मंदिर में जो मंदिर में इनकर्ते के साथ नंदी जी का दर्शन करना होता है, और नंदी जी शिव यहाँ पे विश्राम है। और उसके बाद आप आते हैं अगर अंदर, तो हमारे ये हमारे शिवलिंग है, यही शिवलिंग को यहाँ से लोग काट कर हटाना चाह, पूरा कोशिश करना चाह कि इस मंदिर को हटाकर यहाँ से कहीं दूसरे जगह रख दे, लेकिन लोग से ऐसा नहीं हुआ, ऐसे अक्षात यहाँ से हमारे शिव भगवान प्रकट हुए हैं। तो बहुत बड़ी ये इतिहास है, और जो भी यहाँ लोग आते हैं मन्नत मांगते हैं वो पूरा होता है। तो आप लोग, हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग ये वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लीज यहाँ पे देहरी ओलसर में आकर के एक बार इस मंदिर में आकर के बाबा से दर्शन करें। और थोड़ा सा मंदिर का पीछे की ओर है जो हम आपको विजिट कराते हैं, तो इस तरह का इधर हमारे पुजड़ी लोग देखिए, यहाँ पे भी हमारे कुछ मूर्ति बना हुआ है जो कि, और उसके बाद इधर धर्मशाला की रूप है, इधर धर्मशाला है जो हमारे पुजड़ी लोग रहते हैं, जो बाबा में यहाँ पे संत बाबा लोग हैं वो लोग इसमें धर्मशाला में रहते हैं। यहाँ पे सुविधाएं भी है, सौर प्लेट भी लगाया हो गया है ताकि अगर बिजली कटने के बाद सौर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक शादी विवाह भी होता है, यहाँ पे मंडप भी बना हुआ, उस मंडप की तरफ भी विजिट कराएंगे, जो कि हम आपको वीडियो में बता चुके हैं कि हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी जो थे उस समय वो अपने आकर बनाए थे, अपने फ्रेंड के नाम पे ये मंडप बनाए हैं, उस मंडप को भी दिखाएंगे। उस मंडप का उद्घाटन हमारे माननीय राबड़ी देवी और लालू प्रसाद मिलकर किए थे। तो हम वो सबसे बड़ी चीज़ तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जो मंडप बना हुआ है हमारे लालू यादव जी हैं वो अपने फ्रेंड के नाम पे बनाए हैं। तो आप चलते हैं थोड़ा मंडप की तरफ कि किस तरह का मंडप है। तो गाइस अभी आप लोग को हम बता रहे थे विवाह मंडप की बात कर रहे थे, तो विवाह यही है जो विवाह मंडप आप देख रहे हैं, माननीय श्री कांति सिंह के नाम है, जो बिहार के सांसद थे वो इन्हें अपने बनाए थे अपने नाम से। एक ये मंडप हो गया, एक इधर का मंडप हो गया, और उसके बाद आप इधर से देख रहे हैं इधर भी एक मंडप बना हुआ है, और वहाँ पे जो है धर्मशाला बना हुआ है, बरबराती आता है उसको ठहरने के लिए। ये जो तीन मंडप बना हुआ है, ये तीनों मंडप यहाँ का जो गरीब लोग होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते, वो लोग यहाँ पे आकर के स्थल पे आकर के शादी विवाह करते हैं अपने बच्चे लोगों को। और उसके बाद ये मंडप कब बंधा है नहीं बंधा है इससे आपको उद्घाटन पट से हम आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए हमारे माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री उसमें थे उस समय ही इसका उद्घाटन हुआ है 23 अक्टूबर 2003 में। उस समय लालू यादव और राबड़ी देवी मिल करके इसको उद्घाटन किए हैं, और यहाँ बहुत अच्छा चीज़ आप इधर भी देख रहे होंगे, बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो आप लोग को अगर समय मिले या ना भी समय मिले तो समय निकाल कर प्लीज़ यहाँ पे आकर के एक बार विजिट करें, देखें कि यहाँ के कैसा है। और यहाँ पे बगल में आपका कुंड है जैसे में कि छठ घाट होता है वो है, उसके बाद सोन नदी है, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ है वो भी दिखाएंगे, अंग्रेज के द्वारा बनाया गया पुल है उस पुल को भी विजिट कराएंगे। तो आप एकदम वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, और जो हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का ब्लॉग आप लोगों को मिलता रहे। तो चलते हैं अब हम अपने छठ घाट की तरफ कि किस तरह का घाट है। आप लोग को हम बता रहे थे कि यहाँ पे एक अंग्रेज के द्वारा जो पुल बनाया गया, पुल भी अभी
साक्षात के रूप में है। तो ये जो है यही है पुल है जो अंग्रेज के द्वारा बनाया गया है। अभी बिल्कुल साक्षात है, बिल्कुल चलता हुआ आप देख रहे होंगे, बिल्कुल गाड़ी को इस पे चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ देखिए इस तरह का पार्क बना हुआ है, यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, क्योंकि जस्ट सोन नदी है तो यहाँ का माहौल बहुत वातावरण शुद्ध होता है और स्वच्छ होता है। लोग यहाँ पे आते हैं, लोग अपना फैमिली के साथ भी आते हैं, यहाँ पे घूमते हैं। उसके बाद एक छठ घाट है, उस घाट की तरफ भी हम आपको ले चल कर विजिट कराते हैं। तो आप आते हैं थोड़ा सा जिस घाट के विषय में हम बता रहे थे कि छठ पूजा घाट होता है, वो देखिए यही है माल लखपति छठ पूजा घाट। यहाँ पे छठ पूजा के समय बहुत भीड़ होती है और यहाँ पे जो घाट है सोन नदी का घाट है, यहाँ पे बहुत विधिवत रूप से प्रशासनिक से छठ पूजा का घाट है और छठ पूजा ढंग से मनाया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि बहुत विस्तार के रूप में यहाँ पे एक शेर का चित्र बनाया गया, जो देख सकते हैं आप कितना विस्तार के रूप में है। अब हम आप लोग को घाट की तरफ ले चलते हैं, सोन नदी है, सोन नदी में चल करके एक बोट भी लगा हुआ है, उस बोट से हम थोड़ा सा इंजॉय करेंगे सोन नदी में चलकर और विजिट करते हैं कि उस सोन नदी किस तरह का होता है। दोस्तों आप बिल्कुल एकदम वीडियो पे बने रहे और बहुत फुल मस्ती आएगी आप। तो गाइज आप लोग को दिखा रहे हैं हम फिलहाल बिल्कुल सोन घाट पे पहुंचे हुए और यहाँ पे बोट दो तीन लगा हुआ, दो तीन उधर जा देखिए आप सब लोग जाकर एंजॉय भी कर रहा है। तो हम भी अब चाहते हैं कि इस बोट के द्वारा हम भी जाए उधर और उधर जाकर थोड़ा सा मौज मस्ती करें। और यहाँ पे देखिए इस तरह का पार्क का सीन दिख रहा होगा, इधर थोड़ा सा दिखाइएगा, इधर सभी लोग यहाँ पे ठहरे हुए, यहाँ पे लोग आते हैं इंजॉय करते हैं, अपने फैमिली लोग, अपने बच्चे लोग, अपने सभी रिलेशन के साथ में आते हैं, मस्ती करते हैं क्योंकि यहाँ पे सोन नदी किनारे में है, सोन नदी का एंजॉय लेते हैं। और सभी चीज़ यहाँ पे देख दिए, आपको विजिट करा चुके हैं पूरे यहाँ का जो झरखंडी बाबा का मंदिर है, किस तरह से मंदिर है और किस तरह इसका इतिहास है झरखंडी बाबा को। अब बस आपको रह गया मात्र एक जो इस बोट के द्वारा हम आप लोग को विजिट कराएंगे सोन नदी में, किस तरह से हम लोग सोन नदी में जाकर इंजॉय करें। तो थोड़ा आप सोन नदी की तरफ चले और बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहें, तो दिखाते हैं हम सोन नदी की तरफ चलते हैं। अरे नाव खेवने वाले बेचारे उधर से खेव रहे हैं और बिल्कुल स्पीड धारा आप देख रहे हो, धारा की तरफ दिखाइए कितना स्पीड धारा चल रहा है। तो हम लोग अभी फिलहाल तो इंजॉय कर रहे हैं और अगर यहाँ पे कोई तरह की घटना घटती है तो खतरे से खाली नहीं है। इस चीज़ को तो स्पष्ट है कि अगर किसी प्रकार की घटना घटती तो खतरे से खाली नहीं है। लेकिन हम लोग पुलिस प्रशासन में हम लोग की हर एक तरह की ट्रेनिंग मिलती है, तो अगर यहाँ पे ऐसे भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हम लोग को ऐसा ट्रेनिंग दिया गया है कि हम लोग आपस में अपना जान बचा सकते हैं, इसलिए हम लोग फुल इंजॉय करने आए हैं। थोड़ा सा उधर दिखाइए, उधर भी लोग देखिए घूम रहे हैं, तो इस तरह से उधर का भी नाव में जो घूम रहे हैं, इधर साइड में दिखाइएगा, इधर साइड में देखिए, इधर भी कुछ लोग यहाँ पे जो कि घूम रहे हैं, अपना इंजॉय कर रहे हैं फैमिली लोग के साथ में, बच्चे लोग के साथ में। वहाँ पे एक बोट है, वहाँ पे भी लोग घूम रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि बहुत तेज धारा, बहुत तेज पानी बहता हुआ है, उसमें हम लोग अपना घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और थोड़ा आप लोग का भी अगर मौका मिले तो प्लीज़ यहाँ पे आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह का देखिए उधर का दृश्य कितना अच्छा, घाटी उधर थोड़ा दिखाइए कैमरा लेके, तो देखिए उधर कितना अच्छा दृश्य लग रहा होगा दिखने में, घाटी बिल्कुल, हम लोग कितना दूरी वहाँ से आगे हैं। इधर दिखाइए, इधर थोड़ा देखिए, वो लोग भी बोट में अपना फैमिली लोग के साथ में इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो बस आप लोग भी अपने बच्चे और फैमिली लोग, देखिए हमारे बाबा हैं जो कि नाव खेव रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अब खैर जो भी हो, अब समय और परिस्थिति लोग को कराता है, लेकिन अच्छे हैं अपना। हम लोग भी नाविक हैं बाबू, किसी को डूबने नहीं देंगे जल में। वाह गुड, देखो बाबा के कहना है, चैलेंज है कि हमने किसी को डूबने नहीं देंगे। तो गाइज आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कितना दूरी है उस नदी के, वहाँ से उस किनारे से हम लोग इस नाव के द्वारा यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे भी जो हम पहुँचे हैं, ये देखिए आप बिल्कुल नीचे की ओर देख रहे हो, बिल्कुल बालू है। तो ये कोई जगह मिट्टी यहाँ पे या कोई खेत में हम नहीं आए, बिल्कुल ये नदी ही है। नदी में सूखा हुआ थोड़ा आधा पानी निकला हुआ, आधा इधर नहीं अभी पानी है। जब ये नदी फूल रहता है उस समय ये सब पानी होता है, सारा ऐसा में पानी ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ घूमने आए कि उस नदी से पार, यहाँ को जो नदी का बीच का जो उगा हुआ जमीन बचा हुआ जिसमें पानी अभी नहीं, उस जमीन को किस तरह का रहता और कैसे क्या है नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल बालू ही बालू है, अगर आगे चलते तो आगे देखिए बालू भी है, उसमें घास भूसा भी है। और इधर देखिए आप देख रहे होंगे इधर साइड में यहाँ पानी खत्म हो गया, तो वहाँ पे मछली मारने का काम कर रहे हैं, नाव लगा करके मछली भी मारते हैं यहाँ पे लोग। तो अभी तो फिलहाल नहीं मछली मिल पाएगा, क्योंकि हम नाव वाले से पूछे तो बोला कि अभी पानी कुछ ज़्यादा है इसलिए मछली नहीं मिल पाता, अगर पानी कुछ कम होती तो मछली मिलता। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल इस जगह पे आइएगा, बहुत अच्छा, बहुत इंजॉय, बहुत फुल्ली इंजॉय मिलेगा, क्योंकि हम तो अपने दोस्तों के साथ आए और इस तरह का हर एक जगह आप लोग को हम टूर कराते रहेंगे, घुराते रहेंगे, क्योंकि हमारा ये ब्लॉग चैनल ही ऐसा है, हम ऑल बिहार ऑल इंडिया में घूमते हैं। आज डेहरी ऑन में है तो कल कहाँ रहेंगे हमें खुद को पता नहीं। जब हम यहाँ पर अगर किसी स्थान पर हम जहाँ पर हैं वहाँ पर सोते हैं
तो मालूम होता है कि हम यहाँ पे सोए हैं, लेकिन सुबह कहाँ होगा ये हमें पता नहीं होता है। तो हम घूमते ही रहते हैं कंटिन्यू। आप मेरा चैनल पे बने रहिए, तो उम्मीद है कि हम पूरे ऑल इंडिया आप लोगों का भ्रमण आपको घर बैठे आपको कराते रहेंगे। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे कंटिन्यू रहिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक मेरा ब्लॉग वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।